था कि जब सरकार जाग रही है तो अफसर कैसे सो जाएंगे, नहीं आप बैठो मैं आपके भी काम करूंगा। तो इसलिए उस महापुरुष को, उस कर्म योगी को आप कैसे भूल सकते हो जो सारा दिन की वाणी के अंदर प्रणाम करता है और 11-12 बजे तक कोटि के सभी साथियों को अच्छे तरीके से डील करता है। हम नमन करते हैं उस नेता को, हम उस नेता का स्वागत करते हैं। फरीदाबाद सेक्टर 56 स्थित फोगाट पब्लिक स्कूल के हॉल में सैकड़ों जेजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष रणधीर सिंह ने गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ताऊ देवी लाल के सपनों को साकार रूप प्रदान करने के लिए हम सभी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला एवं हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौधरी दुष्यंत चौटाला के हमराह बनकर राजनीति को एक नई दिशा देने का काम करें। संगठन की मजबूती एवं विस्तार करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। वही फरीदाबाद जिला अध्यक्ष बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के डॉक्टर सतीश फोगाट ने आए सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और पार्टी की मजबूती के लिए हर संभव कदम उठाने का आश्वासन भी दिया। आज बैठक थी जननायक जनता पार्टी की, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की, क्या विचार रहे आज यहाँ? जननायक जनता पार्टी को गठित हुए अभी थोड़ा समय हुआ है और थोड़े समय में ही जननायक जनता पार्टी ने अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को देखा है, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे किसान आंदोलन रहा हो, चाहे बीच में बाई इलेक्शन और जनरल इलेक्शन लोकसभा विधानसभा के आए हो। तो ऐसे समय में हम अपने संगठन को मजबूत बनाने में अभी हमें समय नहीं मिल पाया। तो पिछले दिनों दुष्यंत चौटाला जी ने स्टेट बॉडी की मीटिंग पंचकुला के अंदर ली थी और उस मीटिंग के अंदर मुख्य फोकस था संगठन को किस प्रकार से क्रियाशील और आगे बढ़ाया जाए, संगठित किया जाए। तो ऐसे समय में जितने भी हमारे 18 प्रकोष्ठ हैं, सभी प्रकोष्ठों को आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि आप फील्ड में जाइए, जिला स्तर पर मीटिंग करिए और जिला स्तर पर मीटिंग करके एक अच्छे साथियों को संगठन से जोड़ने का काम करिए। अभी यहाँ नगर निगम चुनाव की भी चर्चा है और पंचायत चुनाव के लिए भी लगातार लाहौर है कि हरियाणा में आगामी समय में होने हैं, उसके लिए कैसी तैयारियाँ चल रही हैं फिलहाल बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की दृष्टि से अगर हम बात करें तो? अगर आप बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की बात करोगे तो क्योंकि लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन होते हैं वो तो हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर का आधार है, बेस है, और वैसे भी हरियाणा प्रदेश तो एक पारंपरिक देश रहा है, यहाँ पंचायतों को हमेशा परमेश्वर माना गया है। तो दुष्यंत चौटाला जी ने हमें एक ही बात कही है कि आपने जन जन तक, गली गली तक और घर घर तक प्रजातंत्र को मजबूत करना है। प्रजातंत्र तभी मजबूत होगा जब एक अच्छा विचार आपके बीच में आएगा और उसी विचार की धारा के अनुसार आपने काम करना है। तो इसलिए आज के संदर्भ में जो मीटिंग हुई है, दुष्यंत चौटाला जी ने एक ही बात कही है कि हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं उनको एक ही बात आपने कहनी है, सबसे पहले एक अच्छी सिलेक्शन करनी है संगठन के लिए, और आप और मैं सभी जानते हैं सिलेक्शन करना सबसे मुश्किल काम है और जिसको सिलेक्शन करनी आ जाती है वो ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाता। तो डॉक्टर अजय चौटाला जी की सोच यही है, जो हमारे पुराने साथी हैं जिन्होंने जननायक जनता पार्टी को के संगठन में बहुत सहयोग दिया है, डॉक्टर अजय चौटाला जी की पद यात्रा में और चेतना यात्रा में और मोटरसाइकिल यात्रा में और दुष्यंत चौटाला जी की कार्यशैली में उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, वो सभी आपके बीच में खड़े हैं। तो वो सभी साथी लोकल बॉडीज में किसी न किसी रूम में जुड़े हैं और आज का जो आज के जो आयोजक रहे हैं हमारे सतीश फोगाट जी, उनकी कार्यशैली तो एक अलग ही प्रकार की है क्योंकि वो जनमानस से जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वो काम करते हैं। नेचुरली है जो व्यक्ति समाज से जुड़ा होता है, सामाजिक कार्यकर्ता होता है, उसको नेता भी और पार्टी भी और नीति भी सभी लोग स्वीकार करते हैं। 75% का जो आरक्षण दिया बात हुई और सरकार ने आरक्षण की घोषणा की, आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में उसे स्टे कर दिया गया है, इस पर कुछ बोलेंगे आप? सर, दुष्यंत चौटाला जी, मैंने पहले भी कहा, बोलते वक्त भी कहा, एक नए कंसेप्ट के लोग हैं, नई सोच के लोग हैं, नई विजन के लोग हैं दुष्यंत चौटाला जी। तो दुष्यंत चौटाला जी ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो आर्थिक तौर पर मजबूत हो ताकि उनके चेहरे पर समृद्धि, संपन्नता, खुशहाली और लाली हमेशा बनी रहे। तो ऐसा करने के लिए ही जितनी भी MNC कंपनीज हैं जो बाहर से आई हुई हैं, तो जो सराउंडेड दिल्ली हैं उनमें हमारे हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के संसाधन प्राप्त हों, इसीलिए ये लेकर आए थे। बाकी कोर्ट ने क्या किया अभी मैंने नहीं देखा। ये यहाँ से बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश फोगाट जी, लगातार प्रयास कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं इस पूरे वार्ड में, नगर निगम से चुनाव लड़ने की मंशा है और लगातार मंचों से इस बात की अपना एक दावेदारी भी प्रस्तुत की है। क्या पार्टी
किस तरह से इस दावेदारी को देख रही है? सर, आज का जो प्रोग्राम रहा, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था। बाकी रही दावेदारी की बात, जो भी पार्टी फैसला करती है, जो भी हमारे नेतृत्व आदेश देते हैं, हम उन्हीं के अनुरूप चलते हैं। नेचुरली है, पार्टी हमेशा चाहेगी कि अच्छे लोग फील्ड में उतरें और वो लोग फील्ड में उतर करके संगठन को मजबूत करने का काम करें। संगठन मजबूत तभी होगा जब वो लोग सोशल समाज की, ये लोकल बॉडीज के जो चुनाव हैं, एक सामाजिक प्रयोगशाला है। जब आदमी इन प्रयोगशालाओं से उभर कर आता है तो नेचुरली वो कदम दर कदम आगे बढ़ता जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये जो इनेलो पार्टी और जेजेपी अलग हुई है, ये हमारे प्रदेश हरियाणा की बदकिस्मती हुई। हमारी सरकार आने में जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा घर हो या छोटा घर हो, जब इत्तेफाक हो जाता है तो उसमें अलग होना एक निश्चित रूप हो जाता है। अभी तक 1.5 साल पहले, 2 साल हो गए हैं पार्टी को अलग हुए, तो 1.5 साल पहले तक लोग कंफ्यूज थे कैसे कि इतने बड़े घर को अलग होना, समझदार आदमी ऐसे हिल रहे थे, हो सकता है दोबारा ये परिवार, ऐसा नहीं हो पाया। धीरे धीरे लोग इनेलो को छोड़ करके सही अपने रास्ते पर तेजी में रास्ता होते जा रहे। तो मैं आज ये कुछ बातें आपको करने के लिए आया हूँ। आपने जुड़ना है जननायक जनता पार्टी से, आपने जुड़ना है उसे चौटाला जी की नई सोच, नई ऊर्जा, नए कंसेप्ट, नए लक्ष्य और नए उद्देश्य से। आपने जुड़ना है दिग्विजय चौटाला जी के एक कर्मयोगी के तरीके से करने वाली कार्य शैली से। तो मैं आपने आपके बीच में शिव फोगाट जी हैं, अरविंद जी हैं, देवपाल डागर जी हैं, हुड्डा जी हैं, सारे के सारे देवेंद्र सरोत जैसे लोग हैं, ये सारे के सारे प्रयास करेंगे कि हम एक अच्छी जो है बुद्धिजीवी सेल की प्रकोष्ठ की जिला की अच्छी लिस्ट तैयार करें, ताकि हम अच्छे लोगों का मान सम्मान और स्वाभिमान कर सके और उसे चुटाला हमेशा अच्छे लोगों का स्वागत भी करते हैं और उनको अच्छे होते पद देकर पार्टी में संगठन में साथ जोड़ करके उनका भी सम्मान सम्मान बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। उन्होंने कहा हमारे प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए और उसके लिए वो आज प्रयास करते हैं। तो इसी तरह की विचारधारा हमें लेकर चलना होगा। सिर्फ सत्ता पाना हमारे संगठन का मकसद न कल था, न आज है और न कल रहेगा। अगर हमारे नौजवानों को रोजगार दिलाने में हमें सत्ता छोड़नी पड़ती हो, अगर सरकार से त्याग पत्र देना पड़े दुष्यंत चौटाला जी को, तो वो एक सेकेंड नहीं है। अगर हमारे प्रदेश के मजदूर किसानों के हित पर अगर कोई कुठारघात होगा तो वो एक सेकेंड नहीं लगाएंगे सरकार छोड़ने, क्योंकि सत्ता माना कभी ना तो चौधरी देवीलाल का मकसद रहा और ना उनके पड़ोते दुष्यंत चौटाला जी का मकसद है। आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि जननायक जनता पार्टी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रणधीर सिंह चीका जी, उपाध्यक्ष देवेंद्र सौरभ जी, हमारे ग्रामीण जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर जी, शहरी जिला अध्यक्ष अरविंद भारद्वाज जी, महिला अध्यक्ष हरमीत कौर जी, सभी हल्का प्रधान और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक फोगाट स्कूल के हमारे डायरेक्टर और हमारे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सतीश फोगाट जी। मैं सबसे पहले तो फोगाट साहब को बधाई दूंगा कि आज सब लोगों को आज एक माला की तरह यहाँ पर जो बुद्धिजीवी वर्ग हमारे फरीदाबाद का कहा जाता है, आप सब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया और जननायक जनता पार्टी की आगे की क्या दिशा निर्देश होने चाहिए, किस डायरेक्शन में, किस सकारात्मक राजनीति को लेकर जननायक जनता पार्टी को चलना चाहिए, फरीदाबाद में किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए, आज ये मीटिंग का आयोजन उस उपलक्ष्य में रखा गया है जिसके बारे में आपको हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी गाइड करेंगे और उनके दिशा निर्देश पे, उनके मार्गदर्शन पे हम सब लोग चलने का काम करें, अपनी पार्टी को, अपने नेता आदरणीय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को मजबूत करने का काम करें और आप सब लोगों का सहयोग, सपोर्ट और प्यार जब दुष्यंत चौटाला जी को मिलेगा तो वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा के उप मुख्यमंत्री